फिर आप इस तरीके से जो है सम्राणी कप्स के लिए भी एक यूनिक फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, और लिए आपको एज अ परफ्यूम चाहिए जो कि बेस नेचुरल टाइप के नोट्स हो, जिसके फ्रेग्रेंस काफी हाईलाइटेड हो, बूस्टिंग अच्छा हो और फ्रेग्रेंस जो है लॉन्ग टाइम तक उस प्रोडक्ट में टिके रहे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऑल इन वन सॉल्यूशन शिवम कंपाउंड या फिर फ्रेग्रेंस। क्या फ्रेग्रेंस हमारे पास ये रहा। तो भाई सबसे पहले एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूं तो इसे बेस कैम्फर का टोन आपको देखने को मिलेगा। सोलो फ्रेंड्स, आज करते हैं एक नए वीडियो की शुरुआत और ये एक यूनिक फ्रेग्रेंस होगा आज के इस रिव्यू वीडियो में, बेस परफ्यूम रिव्यूज वीडियो जो कि सीरीज हमारा चलते आ रहा है और काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस एज अ परफ्यूम्स के हमने रिव्यूज़ किए हुए हैं। काफ़ी अच्छा आप लोगों का भी सपोर्ट रहा और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने वीडियोज़ देखे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स भी आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे यूनिक फ्रेग्रेंस जो कि आपके लिए ऑल इन वन का सॉल्यूशन लेके आएगी, और ये किसी भी टाइप के आपके प्रोडक्ट्स हैं, एज आपको अगरबत्ती डीप करनी हो, चाहे ब्लैक हो, व्हाइट हो, या भी किसी कैटेगरीज की हो, आपको मसाला में काम करना है, या फिर आप किसी भी तरीके के ऐसे फ्लोरल अगरबत्ती आप बनाते हैं जो कि काउडंग से रिलेटेड हो, या फिर मसाला अगरबत्ती से रिलेटेड हो, या फिर आप इस तरीके से जो है सम्राणी कप्स के लिए भी एक यूनिक फ्रेग्रेंस, और किसी भी तरीके के काउ प्रोडक्ट्स के लिए आपको एज अ परफ्यूम चाहिए जो कि बेस नेचुरल टाइप के नोट्स हो, जिसके फ्रेग्रेंस काफी हाईलाइटेड हो, बूस्टिंग अच्छा हो और फ्रेग्रेंस जो है लॉन्ग टाइम तक उस प्रोडक्ट में टिके रहे, तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऑल इन वन सॉल्यूशन शिवम कंपाउंड या फिर फ्रेग्रेंस। कंपाउंड कहने में भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड जैसा ही काम करती है। इसका जो है बेस रिव्यू करने वाले हैं और इसके लिए पहले से मैंने बंदोबस्त की हुई है। फ्रेग्रेंस हमारे पास ये रहा और कुछ ऐसे टेस्टिंग जो है हम लोग कर लेते हैं एज अ फ्रेग्रेंस के टोन किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से आपको ये फ्रेग्रेंस यूज करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कैटेगरीज में हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेग्रेंस की तरफ। बॉटल्स तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी जो कि ये हमारा ग्राफिक्स है, बाकी प्रोडक्ट के डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये 500 ग्राम में ये हमारा फ्रेग्रेंस की बॉटल्स हैं। इसके और भी बड़ी पैकेजिंग के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, 1 kg, 5 kg, 10 kg। सो फिर फ्रेग्रेंस की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके जो है बेस लिक्विड देखने को मिलेंगे। सो फिर सबसे पहले हम करेंगे इसके फ्रेग्रेंस को चेकआउट और इसमें जो है बेस नोट्स या फिर फ्रेग्रेंस किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ स्टिक्स हम लोग जो है अभी के लिए थोड़ा सा डीपिंग प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ रॉ स्टिक्स। तो फिर यहाँ से हमने ये कुछ परसेंटेज डीपिंग का प्रोसेस कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा सूखने के लिए वैसे टाइम देना तो पड़ता ही है, बट अभी हमें एग्जैक्ट इसके रिजल्ट चेक करने हैं और इसके फ्रेग्रेंस के जो बेसिक टोन है वो किस तरीके से आएंगे वो भी हमें चेकआउट करना है। तो टेस्टिंग के लिए ये नॉर्मल इसके ऊपर जो फ्रेग्रेंस के जो लिक्विड चढ़ चुके हैं उससे चीज़ें जो है पता लग जाती हैं, तो नो प्रॉब्लम। सूखने का वेट करेंगे तो काफ़ी जो है टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रेग्रेंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक सबसे पहले मैं चीज जो है इसमें बताना चाहूँ तो ये बेस कैंपर का नोट इसमें देखने को मिलेगा। कैंपर मींस कपूर का टोन, बेस कपूर का टोन, 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, बेस कपूर का नोट इसमें से आपको देखने को मिलेंगी जो कि ये टॉप बेस नोट में आएगी। मतलब इसके नोट्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, बेस कपूर का फ्रेशनेस तो आएगा ही इसमें 100%, और मसाला का एक बेसिक टोन भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप क्या होता है कि मसाला इंग्रेडिएंट्स मतलब थोड़े से स्पाइसी क्रिस्पी नोट होते हैं, मतलब उसका जो है फ्लावर नोट से कोई लेना देना नहीं होता। ये चीज़ें तो आपको पता होगी, जैसे लोबान में लूँ, गूगल में लूँ एग्जाम्पल में, या फिर बेस सम्राणी में लूँ,
तो इसके फ्लावर नोट से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इसी तरीके की फ्रेग्रेंस ये शिवम में ऐसा आपको देखने को मिलेगी। और नेचुरल जो प्रोडक्ट है अभी के टाइम में जो मार्केट में चल रहे हैं, आप जैसे कि जानते हैं, मैं अगर खुल के बोलना चाहूँ तो 100% तो नेचुरल होता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग ऐसे, उनके क्वेश्चंस होते हैं कि सर वो अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है, जैसे बेस हमारा शिवम हो गया, लुबान हो गया, गूगल हो गया, या फिर कांसी टाइप के जो बेस नोट है, और रुद्राक्ष में हमारा दोनों कांसी और रुद्राक्ष में काम चल रहा है, इसके वजह से मैंने ये मसाला के जो बेस फ्रेग्रेंस है उसका रिव्यू नहीं किया था, तो उसका भी आने वाला है। बट शिवम के लिए अभी लोग, काफ़ी सारे लोग जो है इसे किसी भी तरीके से डीपिंग प्रोसेस, काउडंग से रिलेटेड, या फिर लुबान और जैसे जो कैटेगरीज चलती है नेचुरल प्रोडक्ट के लिए, उसमें लोग यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट 100% आ रहा है उनको। तो मैं सोचा कि ये क्यों ना और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और उनको भी अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो भी बिल्कुल ट्राई करें। मैं पिछले वाले पॉइंट में जाता हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मींस 100% पॉसिबल नहीं होता। आप जानते हो चीज़ों की रेट इतने बढ़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमें अगरबत्ती से रिलेटेड कंपाउंड ही यूज़ करनी पड़ती है। और इसी के बेस में क्वेश्चन निकल के आता है कि सर नेचुरल प्रोडक्ट एज अ हम लोग सेल कर रहे हैं तो क्या इसमें सूटेबल रहेगा या फिर नहीं। तो इसीलिए मैं बोला कि ये आपको एज अ नेचुरल बेस रहेगा, इसके फ्रेग्रेंस पर सम्राणी है जो कस्टमर ने ही बनाई हुई है, और ये फ्रेग्रेंस जो है उन्होंने यूज़ किया है, बेस काउडंग है ये, और इसमें काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। मैं कहना चाहूँ तो अभी तो मेरे पास ये खुले में था, और खुले होने के बाद, मतलब खुली जगहों में होने के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर रहा था। मैं यही कहना चाह रहा था कि इसके जो बेस नोट है, जो फ्रेग्रेंस है, वो नेचुरली जोड़ के ही रखेंगे। इसमें आपके फ्रेग्रेंस लॉन्ग टाइम भी टिकेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी जो लॉन्ग मतलब विजिबिलिटी है, मतलब ये जो फ्रेग्रेंस टिक के रहेगी। आपने देखे होंगे कि काफ़ी सारे, जैसे काउडंग में आपने यूज़ किया कोई भी फ्रेग्रेंस, तो क्या होता है, धूप में सुखाने के बाद वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब सूखने के साथ साथ उसकी फ्रेग्रेंस भी ऊपर उड़ जाती है। तो वो इशू नहीं रहेगी, क्योंकि कैंपर का जो नोट है वो उस फ्रेग्रेंस, या फिर आपके जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, जो बेस प्रीमिक्स रहेगा, उसमें 100% उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो ये चीज़ है और ये रियलिटी है, ऐसा नहीं कि मैं बेचने के लिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एग्जांपल है, ये सामने एग्जांपल है, इन्होंने काउडंग में काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, फ्रेग्रेंस बैठता ही नहीं है सर, मज़ा ही नहीं आ रहा है। बोला भाई इतने सारी चीज़ें तो आप चेक कर लिए हो, तो एक बार शिवम ट्राई करके देख लीजिए आप, चाहे या फिर इसमें अगर आपके फ्रेग्रेंस रह जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हो गया, आज वो इसी से चीज़ें बना रहे हैं। तो ये वाली बात है। और जो है इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ जो कि अगली वीडियो में आपको देने वाला हूँ, इसके जो बेसिक, इसके यूज़ करने के जो फार्मूलेशन है, या फिर आपको जो है किसी भी तरीके के अगरबत्तीज, या फिर सम्राणी, या फिर धूप स्टिक्स, कोन, काउडंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको किस तरीके से यूज़ करने हैं, मतलब कितने ग्राम तक हमें यूज़ करना है, और उसके प्रीमिक्स में यूज़ करने का जो बेस प्रोसेस है, मतलब यूज़ करने को तो हम यूं ही परफ्यूम उठाते हैं और प्रीमिक्स में डाल देते हैं, नहीं, ये सही तरीका नहीं होता। जैसे कि पिछले वीडियोस में आपने देखे होंगे कि मैंने डीपिंग को लेकर कुछ ऐसे 5 टिप्स बताए हैं जो कि काफ़ी सारे लोग फॉलो ही नहीं करते, और उसमें मैंने क्लियर सारी चीज़ें बताई हुई कि वो 5 चीज़ें अगर आप करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है, वो चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है, ये आपको बताने वाला हूँ। तो वो आने वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। तो ये है फ्रेग्रेंस, जिसके बारे में काफ़ी लंबी जो है बात हो गई। तो फिर ये वीडियो था यहीं तक, मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।